मैं जवाब देता हूं। देखिए समस्या जानते क्या है, अभी अमित जमाई जी ने बोला कि वो स्पोर्ट्स के कैप्टन थे इसलिए देखने गए। देखिए खेलकूद युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी और आवश्यक चीज है, पर स्पोर्ट्स की तुलना फौज के शहीद होने वाले लोग क्या नौजवान नहीं होते क्या? दानशु बाबू वो किस आयु वर्ग के होते हैं जो देश के लिए गोली खाने तैयार होते हैं? उनकी जान की भी अहमियत उससे ज्यादा बड़ी बात है, उनकी जान की अहमियत उससे बड़ी बात है। इसलिए आप स्पोर्ट्स के आधार पर कम से कम उसका बचाव करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, राजनीतिक आधार पर आप करिए, आरोप लगाइए, वो बात समझ में आती है। अब मैं कहता हूं जो कुछ कांग्रेस ने कहा, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, यह अभय दुबे जी अचानक सरदार गद्दार नहीं होता ही ले आए, पर मैं जिम्मेदारी से कहता हूं अन्यथा नहीं रहना चाहिए। पूरे सरदारों की कौम को गद्दार सिद्ध करने का प्रयास किसने किया था? कांग्रेस ने 1984 में चुन चुन का जब मारा था तो कांग्रेस के नेता लोग और वो भीड़ क्या क्या नारे लगाती थी, वो यहाँ टीवी पे बोलना उचित नहीं है। सुधांशु जी मुद्दे पर आइए, आज चार अगर इस प्रकार की बात साहब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हाँ आप मुद्दे पर रह रहा हमारे जवानों का सर, अरे साहब बिल्कुल, चार साल में सबसे ज्यादा आतंकवादी मारे गए, किसी चार साल में पाकिस्तान सार्क देशों में पहली बार ऐसा हुआ कि इस इलाके के दो बड़े मुस्लिम देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारे साथ खड़े हुए पाकिस्तान के खिलाफ। ये पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका ने पूरी पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद बंद कर दी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात भी नहीं खड़े हुए हैं। उस हकीकत को समझिए, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और उसके बाद ही पाकिस्तान सिर्फ खिसियानी बिल्ली खम मनोचे के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मगर अफसोस है मुझे कि पहली बार यह भी हुआ है कि भारत के गृहमंत्री को हाफिज सईद ने शाबाशी दी तो कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे, भारत के नेता प्रतिपक्ष को लश्कर ए तैयबा ने शाबाशी दी तो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, और अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शाबाशी दी तो कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू।